आप लोगों के बहुत ही सारे कमेंट आए कि भगवान बुद्धा के जीवन के बारे में बताइए कि वो कैसे बुद्ध बने। दरअसल भगवान बुद्ध एक छोटे से राज्य के राजकुमार थे और जन्म से ही उनका नाम बुद्ध नहीं था। बुद्ध का मतलब होता है एनलाइटन होना। बुद्ध ने जिसे नाम दिया निर्वाण की प्राप्ति। असल में उनका नाम था गौतम सिद्धार्थ। तो हुआ ये कि जब गौतम बुद्ध पैदा हुए तो किसी महान योगी ने उनके बारे में भविष्यवाणी की कि यह बच्चा बड़े होकर या तो महान राजा बनेगा या फिर एक महान संत बन जाएंगे। जब योगी ने बुद्ध के बारे में ये भविष्यवाणी की तो बुद्ध के पिता थोड़ा चिंतित हो गए। वो कभी नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र महान संत बने, और कोई भी पिता नहीं चाहेगा। हर पिता चाहता है कि उसका पुत्र उसके साम्राज्य को आगे बढ़ाए। हाँ, हर पिता चाहता है कि उसका वंश चलता जाए। और आज के समय में भी कोई माता पिता नहीं चाहते कि उनका बच्चा सन्यासी हो जाए, ब्रह्मचारी हो जाए। तो ऐसा ही बुद्ध के पिता ने सोचा और वो चिंतित थे। वो अपने पुत्र को एक महान राजा बनाना चाहते थे। योगी की भविष्यवाणी सुनकर उन्होंने एक फैसला किया कि वो अपने पुत्र को किसी भी दुख से दूर रखेंगे, क्योंकि दुख और समाज की पीड़ा से ऊब कर ही इंसान सन्यासी बनने की सोचता है। अगर कोई दुखों से दूर होगा और सदा सुख भोगता रहेगा तो उसे संत बनने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग अपने जीवन में भी देखो, अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा दुखी है तो वो सन्यासी बनने की सोचता है, क्यों? है ना? अगर आपको लगता है कि आप जीवन में असफल रहेंगे, कभी सफल नहीं हो पाएंगे, तो आप सोचते हैं कि मेरे पास एक ही रास्ता है, मैं सन्यासी बन जाऊं। और सुकरात ने भी क्या खूब कहा है, अगर आपको अच्छी पत्नी मिलती है तो आपका जीवन अच्छा बीतता है, और अगर पत्नी खराब मिलती है तो भी आपका जीवन धन्य हो सकता है, क्योंकि वही इंसान फिलोसोफर बन सकता है। एनीवे, कम टू द पॉइंट। तो भगवान बुद्ध के पिता ने उन्हें पूरे सुख में रखा। उनके चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थीं, और शायद यही उन्होंने गलती कर दी, क्योंकि मनुष्य दुख से इतना नहीं उबता जितना सुख से उब जाता है। उनके आसपास हर सुख सुविधा उपलब्ध थी। जब गौतम 19 साल के हुए तब उनके पिता ने उनकी शादी नगर की सबसे सुंदर स्त्री से कर दी। उनका पालन पोषण एक सामाजिक तौर पर नहीं हुआ था। उनको समाज से दूर एक बड़े से महल में रखा गया था, जहां वो हमेशा सुख में रहते थे। वहां पर दुख की नो एंट्री थी। एक दिन भगवान बुद्ध ने सोचा, क्यों ना नगर का भ्रमण किया जाए, देखा जाए कि हमारे नगर में क्या चल रहा है। तो फिर उन्होंने अपनी इच्छा सारथी से रखी और कहा, हम नगर में घूमना चाहते हैं। तो गौतम नगर में घूम ही रहे थे, उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा, और वह बूढ़ा आदमी ठीक से चल नहीं पा रहा था। अब गौतम के आगे एक दुविधा आ गई, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन में कोई भी बूढ़ा आदमी नहीं देखा था, क्योंकि इनके पिता ने इन सब चीजों से गौतम को बचा के रखा था। तभी गौतम बुद्ध ने पूछा, अरे सारथी, उस इंसान को क्या हुआ? सारथी ने बड़े ही नॉर्मल तरीके से कहा, अरे वह आदमी तो बूढ़ा आदमी है, उसमें क्या बड़ी बात है? बुद्ध ने पूछा, अरे ये कैसे होता है, बूढ़ा आदमी मतलब क्या? फिर सारथी बोला कि हर कोई एक दिन बूढ़ा होता है, ये तो प्रकृति का नियम है। फिर बुद्ध ने खुद को देखा और गौतम बड़े ही जवान और सुंदर थे। बोले, क्या मैं भी ऐसा हो जाऊंगा? सारथी ने कहा, हाँ हर कोई बूढ़ा होता है। अब गौतम के लिए ये अलग ही तरह का एहसास था कि मैं भी एक दिन ऐसा हो जाऊंगा, मुझे भी ऐसे ही चलना पड़ेगा। फिर वे आगे बढ़े और उन्होंने एक और आदमी को देखा जो सड़क के किनारे लेटा हुआ था, और वो बहुत ही बीमार था। इतना वह उठ भी नहीं पा रहा था, काफी तकलीफ से चिल्ला रहा था। फिर गौतम बोले, अरे रुको, इस व्यक्ति को क्या हुआ, ये इतना चिल्ला क्यों रहा है? सारथी ने कहा कि यह व्यक्ति तो बीमार है, ये किसी रोग की वजह से पीड़ा में है। बुद्ध बोले, इसका क्या मतलब है? फिर सारथी ने कहा कि यह शरीर कभी कभी बीमार हो जाता है, ये भी लगभग सभी के साथ होता है। तो गौतम बोले, क्या ये मुझे हो सकता है, क्योंकि मैं तो एक राजकुमार हूँ? सारथी ने कहा, हाँ ये कभी भी किसी को भी हो सकता है। और गौतम फिर से अपनी तुलना उस व्यक्ति से करने लगे, अरे ऐसा मुझे भी हो सकता है। गौतम इन दोनों ही घटना को देखकर काफी परेशान हो चुके थे और वो आगे बढ़े। फिर आखिर में उन्होंने एक शव यात्रा देखी, कुछ लोग एक आदमी का शव लेकर जा रहे थे। अब बुद्ध ने बोला, इस आदमी को क्या हुआ जो लेटा हुआ है, जिसे चार आदमी अपने कंधे पर उठाकर ले जा रहे हैं? सारथी ने कहा कि यह व्यक्ति तो मर गया है। फिर गौतम बोले, ये मरना क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है?
सारथी ने कहा कि ये सबको होता है, इससे कोई नहीं बच सकता, एक दिन सबको मरना ही पड़ता है। फिर गौतम बोले कि मैं क्या कर रहा हूँ, खाना सुख भोगना सारी बेकार की चीजें। अब गौतम के अंदर एक प्रकार की उथल पुथल मच चुकी थी। एक राजकुमार होना, इतना बड़ा महल होना, हर तरह के सुख भोगना, ये सब कुछ कुछ ही सेकंड्स में उनके अंदर बिखर गया, सब मट्टी हो गया। और वो सोचने लगे, इन सब का क्या मतलब है, ये शरीर है एक दिन बूढ़ा हो जाएगा, ये बीमार पड़ सकता है और ये पक्का एक दिन मर जाएगा। गौतम बुद्ध के एक बच्चा हो चुका था जिसका नाम राहुल था। उन्होंने अपनी प्यारी पत्नी और सुंदर बच्चे की तरफ देखा, वो एकदम से उन दोनों को छोड़ नहीं पाए। वो अपने भीतर ही भीतर संघर्ष करते रहे। संघर्ष करते करते तकरीबन 1.25 साल गुजर चुका था। अब सिद्धार्थ का पुत्र तकरीबन 1.5 साल का हो चुका था, लेकिन अब गौतम अपने आप को नहीं रोक पाए। और फिर आधी रात को एक चोर की तरह बिना किसी को सूचना दिए वो महल से बाहर निकले और उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। अब वो खोज में निकल चुके थे कि आखिर जीवन का सत्य क्या है। वो एक मठ से दूसरे मठ घूमते रहे। जिसने जिस गुरु के बारे में बताया, गौतम सिद्धार्थ वहीं गए। उन्हें जो जो विधियां बताई जाती वो सभी विधियां बड़ी ही कुशलता से करते थे। और परिश्रम करते करते उन्होंने समाधि के 8 प्रकार के अनुभव पाए। वो जिस भी गुरु के पास जाते थे तो गुरु के बताए हुए हर एक प्रयोग ऐसे करते थे कोई भी शिष्य आसानी से नहीं कर सकता, संपूर्णता से करते थे। इन सबके बावजूद भी अभी तक गौतम सिद्धार्थ को वो अनुभव नहीं हो पाया था। आखिर में गुरु भी उनके आगे हार जाते थे और कहते थे कि मैंने भी अब तक यही जान पाया है, इससे ज्यादा तो मुझे भी नहीं पता, अब तुम आगे की यात्रा स्वयं करो। फिर वो कठोर तपस्या में लग गए। उन्होंने अपना भोजन तक छोड़ दिया। और गौतम सिद्धार्थ एक राजकुमार थे, वो शारीरिक रूप से काफी मजबूत थे, एक लंबा चौड़ा शरीर था जो अब सूख कर कांटे की तरह हो गया था। अब उनका शरीर बिल्कुल कमजोर पड़ चुका था, हड्डियों के अलावा उनके शरीर में कुछ नहीं दिख रहा था। और वो उस कमजोर शरीर के साथ एक नदी के पास पहुंचे जिसका नाम निरंजना नदी था। और फिर गौतम सिद्धार्थ उस नदी में उतरे। जैसे तैसे गौतम सिद्धार्थ उस नदी में आधे रास्ते तक तो चले गए, लेकिन उनका कमजोर शरीर उनका साथ छोड़ रहा था, उनमें बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची थी। फिर उस नदी में एक पेड़ की टहनी यानी सूखी डाल थी, उन्होंने उस डाल को पकड़ लिया। गौतम सिद्धार्थ अब तक हार नहीं मान रहे थे क्योंकि वो भीतर से कमजोर नहीं थे। उस डाल को पकड़े पकड़े उनके दिमाग में कई सारे सवाल चल रहे थे कि मैं जिस चीज के लिए मेहनत कर रहा हूँ आखिर वो है क्या। मैं जगह जगह घूम रहा हूँ, पता नहीं मैंने कितने प्रयोग किए, कितनी सारी चीजें सीखी, आखिर वो है क्या जो मैं खोज रहा हूँ। तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि वो कुछ नहीं है, ये जीवन ही सब कुछ है, मुझे सिर्फ यह करना है उन सभी बाधाओं को हटा दूं जो मुझे उस अनुभव से रोक रही हैं। उन्हें थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगा था कि सब कुछ उनके भीतर ही है। फिर उनके अंदर अचानक से कोई ऊर्जा आई और जैसे तैसे उन्होंने वो नदी पार कर ली। नदी पार करते ही एक वृक्ष है जहाँ पर वो बैठ गए, जिसे आज हम बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। उन्हें ये भी एहसास हुआ कि ये शरीर एक यंत्र है, अगर इसे कष्ट होगा तो ये प्रकृति के खिलाफ है, अगर इस यंत्र में ही कोई समस्या होगी तो मैं आत्मज्ञान कैसे पा सकता हूँ। और उस दिन उन्होंने खीर का भोजन लिया। वह एक पूर्णिमा की रात थी जिसे हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। और फिर बस वो उस पेड़ के नीचे बैठ गए और उन्होंने आखिरी प्रण लिया। इस संकल्प के साथ बैठे इस अस्तित्व की प्रकृति को या तो मुझे अभी जानना है या मैं यहीं बैठे बैठे अपना शरीर छोड़ दूंगा। जब तक मैं इसे जान नहीं जाता मैं यहाँ से नहीं उठूंगा, अपनी आंखें नहीं खोलूंगा। तो जब उन्होंने ये अपना आखिरी संकल्प ले लिया, अब तक उनके लिए सब कुछ व्यर्थ हो चुका था, केवल एक ही आखिरी संकल्प था कि अब कोई संकल्प नहीं है। फिर वो चांदनी रात, चांद अपनी पूर्ण गरिमा में था और उनके साथ घटना घट गई। तभी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उनके भीतर एक कमल खिल गया और उन्होंने अपने ही भीतर सब देख लिया, सब जान लिया जो वो जानना चाहते थे, जिसके लिए उनसे इतने बड़े बड़े त्याग हो गए थे। ज्ञान प्राप्त होने के बाद अब गौतम सिद्धार्थ नहीं रहे थे, अब वो बुद्ध हो गए थे। और अपने इस अनुभव को लेकर वो उठे और चल पड़े। तभी उन्होंने अपने उन साथियों को देखा जो उनके साथ खोज में निकले थे। तकरीबन 5 शिष्य उनके साथ थे। उन सब ने बुद्ध को देखा, उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। देख पा रहे थे कि अब गौतम बुद्ध कुछ अलग ही तरह के दिख रहे हैं, उनके चेहरे पे कुछ अलग ही चमक है,
तो इस तरह से गौतम सिद्धार्थ बने गौतम बुद्ध। वैसे भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित बहुत प्यारी प्यारी घटनाएं हैं। अगर आप लोग चाहोगे तो उन सभी घटनाओं को एक एक करके मैं अपनी वीडियो के जरिए आप लोगों को बताता रहूंगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता सकते हैं। तो वेल, हो सकता है कि ये कहानी आपने एक बार जरूर सुनी होगी कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, लेकिन फिर भी मेरे मुँह से मेरी वॉइस में ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताना जरूर कॉमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।